हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी सुबह के बजे है साढ़े तीन हो गए। अभी हम लोग जिम का वीडियो बनाएंगे वर्कआउट करने का। अभी बात नहीं करूंगा, टाइम नहीं है, नहीं तो जिम में बहुत लोग हो जाएंगे। तो मैं 7 बजे जिम में जाना है, 4:30 के आगे। तो आज ये वीडियो में पहले जिम में बताऊँगा जो कुछ होगा। वीडियो देखते रहना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और सब कुछ कर देना जो जो है। तो सीधा आप लोगों को मैं जिम में मिलता हूँ, ठीक है? तो भी मतलब हाँ ठीक है, तो वीडियो देखते रहना। तो फाइनली मैं रेडी हो गया जिम के लिए, तो अभी मैं जिम में जाऊँगा। तो जिम में क्या है कि हम लोग वर्कआउट करेंगे, बाद में बता दूँगा, अभी देर हो जाएगा। तो हम वर्कआउट करेंगे, हम नहीं मैं। और वर्कआउट कैसे मतलब कैसे करता हूँ मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, गलती भी हो सकता है मुझसे कुछ, तो गलती हो गया तो बता देना, मैं उसको ठीक करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। या फिर गलती तो हो सकता है, आराम से हो गया गलती। तो ये वीडियो मतलब आप लोग वीडियो देखते रहना, मैं अभी जिम जाऊँगा, मतलब हाँ जिम जाऊँगा, उसके बाद वर्कआउट करूँगा। तो मैं उधर मतलब इतना बात ही नहीं करूँगा आज, क्योंकि ऐसे भी देर हो गया है मुझे। तो जिम में जाता हूँ, आप लोगों को मैं क्या कहते हैं जिम में मिलूंगा। अभी मैं जल्दी जाता हूँ, वहाँ पे सब कुछ होगा, तो मिलते हैं। We'll be right back.
चेस्ट का डिक्लाइन जो बारबेल से करते थे डिक्लाइन भी प्रेस कर लिया हम लोगों ने, तो अभी हम करेंगे नॉर्मल बेंच पे डंबल प्रेस। तो उसके बाद देखते हैं, बस हर या तीन एक्सरसाइज करेंगे चेस्ट का, पहले दूसरा एक्सरसाइज करते हैं। The countdown has just begun. Are you ready? Let's go, 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 go. Now we're back from the dead. हम लोगों ने चेस्ट का दूसरा एक्सरसाइज कर लिया, अभी हम करेंगे इंक्लाइन प्रेस, लेकिन वो हम बेंच प्रेस पे नहीं करेंगे, मशीन में करेंगे हम, इस पर मशीन पे करेंगे हम अभी। ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज है चेस्ट का, और उसके बाद चेस्ट का फोर्थ, सारे एक्सरसाइज ही कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब तीन या फिर चार सेट्स लगाएंगे इसका। तो और ये इंक्लाइन, मतलब इंक्लाइन मशीन प्रेस है, तो वेट में ऐसा क्या करूँगा कि ये नॉर्मल वेट लगाऊंगा, हाई वेट भी नहीं है कम भी नहीं है। तो फिर जो देखते रहना। हमने चेस्ट का थर्ड वर्क कर लिया, मतलब पहले हमने वार्म अप किया, उसके बाद हमने पहले डिक्लाइन बेंच प्रेस किया, उसके बाद हमने नॉर्मल बेंच प्रेस किया, लेकिन उसमें हमने डंबल से किया, और पहले डिक्लाइन में हमने बारबेल से किया, उसके बाद हमने इंक्लाइन मशीन में हमने किया। अभी हम करेंगे बटरफ्लाई, जिसको हम लोग
पेक डेक फ्लाई भी कहते हैं, तो वो करेंगे, वो फोर्थ नंबर एक्सरसाइज होगा, उसके बाद हो गया। क्योंकि मैं और का दिक्कत नहीं करता, मतलब हाफ एन आवर 40 मिनट ही करता हूँ मतलब। तो अभी देखते हैं उसकी वर्कआउट के बाद मैं हाँ मतलब एक बॉडी पार्ट एक दिन में ट्रेन करता हूँ। तो चेस्ट का आज हो गया, तो कल अलग कर लेंगे। तो लास्ट एक्सरसाइज है तो वो करता हूँ। क्या कहते हैं उसको, हमने मतलब मैं बॉडी का जो है ना, तो हम लोग नहीं रहे, मैं क्या करता हूँ बॉडी का हर एक पार्ट एक दिन में ट्रेन करता हूँ। मतलब आज चेस्ट किया था मैंने, उसके बाद मैंने पहले वार्म अप किया, उसके बाद मैंने वो एक्सरसाइज वगैरह की। तो ये है कि मैं वीडियो के पहले बोलना मतलब ऐसा टाइम नहीं मिला हुआ, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का जो दो फेज में होने वाला है एग्ज़ाम हमारा, एक तो होने वाला है मतलब एक हो गया 20 तारीख तक, उसके बाद अभी नवंबर की 5th से शुरू होगी। तो अभी है नहीं, 15 दिन का छुट्टी है, लेकिन मैं घर भी नहीं गया अभी, ब्लॉक की चक्कर में घर भी नहीं गया। तो ये जिम का मैं वीडियो डालूंगा और बाकी एक्स्ट्रा ब्लॉग तो आते रहेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मतलब टाइम नहीं मिल रहा था मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए। यह भी मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि कैमरा पकड़ना और ये करना मतलब अकेले करके अकेले वो करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या ही करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और हुआ ही कि जिम में मैं सुबह 4 बजे उठ गया, अभी बजा है 5:30, मतलब हुआ है कि अभी रात ही है अभी यहाँ पर, मतलब अभी मैं 6 बजे आऊँगा, तो यहाँ पर मतलब बहुत भीड़ है। तो भीड़ है तो पॉसिबल है नहीं मतलब वर्कआउट करने के लिए, मतलब वर्कआउट तो कर सकता हूँ लेकिन कैमरा लगाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं जल्दी आ गया आप लोगों की चक्कर में, मैं 3 बजे उठा, 3:30 को उठा, उसके बाद रात को भी सोया था मैंने, 1 बजे उठ के आ गया, 3 बजे उठ के ऐसे वैसे फ्रेश व्रेश होके कुछ खा के अभी आ गया जिम में। तो ये वीडियो आते रहेंगे, मतलब आज चेस्ट किया मैंने, कल शोल्डर, उसके बाद हम बैक का वर्कआउट करेंगे, ऐसे हम 5-6 दिन का या फिर 7 दिन का एक वीडियो करेंगे। और वीडियो कैसा लगा बताना, मुझसे गलती भी हो सकता है, तो गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। और दूसरा क्या बोलूँ अभी, मैं बॉडी इतना है नहीं,
मैंने चेस्ट का वर्कआउट किया, लेकिन दिखा रहे हो भाई से है इतना भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, हो जाएगा अभी, आने आ जाएगा, अभी आया नहीं, अभी आ जाएगा ये अभी तो। हाँ सो रहने दे, अभी क्या ही करें इसका। चलो तो यही है वीडियो में, वीडियो आते रहेंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं वीडियो मतलब अभी 15 दिन की छुट्टी है, आराम से घूम पाऊँगा, पढ़ना भी है लेकिन बहुत बिक गया मैं बाद में, लेकिन वीडियो डालते रहूँगा। और मैंने जो वर्कआउट किया ना, मैं वर्कआउट के बीच में कुछ कुछ बताना चाहता था, लेकिन हुआ ही कि अकेला कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा ऐसा हो रहा है कि आप लोग वर्कआउट जिम मतलब आने से पहले या फिर कुछ खा के आना थोड़ा बहुत जितना हो सके, इतना खाली पेट मत आओ अगर सुबह वर्कआउट करते हो तो। दूसरा बात ये है कि वर्कआउट से पहले वार्म अप जो है ना बहुत ज़रूरी है, पहले वार्म अप करो उसके बाद वर्कआउट करो। और ये है कि ऐसा नहीं कि तुम एक डेढ़ घंटा वर्कआउट करो, मैं तो 30-40 मिनट ही करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा वीडियो के चक्कर में 1 घंटा हो गया, कोई बात नहीं। तो यही है वीडियो आज की वीडियो में, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कुछ गलती होगी तो माफ़ कर देना, और कमेंट सेक्शन में कैसा लगा बता देना। तो थैंक यू।